हेलो बच्चों, फिजिक्स के नए लेक्चर में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। और इसी लेक्चर के साथ लेंस की शुरुआत होगी। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो लेंस हम जानते हैं कि क्लास टेंथ में भी है, ट्वेल्थ में भी है और आगे की अन्य क्लासेस में भी ये आने वाला है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे लेंस क्या होता है, फिर लेंस के प्रकार और फिर इसके बाद लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। परिभाषाएं पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, खासकर क्लास टेंथ में, और डेरिवेशंस जो है वो क्लास ट्वेल्थ में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लेंस होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जो कांच होता है, कांच का पृष्ठ जो होता है, कांच में कितने पृष्ठ होते हैं, कितने तल होते हैं, दो, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, दो तरीके के होते हैं। अब वो दोनों पृष्ठ जो हैं वो समतल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जो कांच यूज होता है खिड़कियों में, ठीक है, और दोनों गोलीय भी हो सकते हैं, एक समतल दूसरा गोलीय भी हो सकता है। अब जैसे चश्मे में क्या होता है, गोलीय पृष्ठ होते हैं दोनों के दोनों। कुछ ऐसे भी हैं चश्मे जिसमें एक समतल होता है दूसरा गोलीय होता है। कहने का मतलब लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, कांच का बना होता है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक आगे और एक पीछे। अब उन दोनों पृष्ठ में से कम एक गोलीय होगा अगर, तभी ये लेंस होगा। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कांच में दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे, ये समतल है। गोलीय भी हो सकता है ऐसे, ठीक। जब दो गोलीय पृष्ठ आपस में एक साथ मिलाए जाते हैं, उत्तल पहला भी है और दूसरा भी गोलीय पृष्ठ उत्तल है, तो ये उत्तल लेंस बनता है। अंदर की ओर धंसा है यानी कि अवतल है, इधर भी अंदर की ओर धंसा है, ये भी अवतल। इन दोनों को जब एक साथ लाएंगे, ठीक, समझिए बात, अगर कोई गोलीय गोलाकार कांच है, ठीक, ये और ये दूसरा, तब ये दोनों आपस में जब काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये एक प्रकार का लेंस यहाँ से निकलता है। जब दोनों गोले लिए हैं कांच के, तब दूसरा एक ऐसे रखा है गोला और एक ऐसे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक, ये दोनों काट नहीं रहे हैं, दूर दूर से रखे गए हैं, तब यहाँ से एक पृष्ठ निकाला जा सकता है। ये अंदर की ओर दबा है, देखो बीच में दबा हुआ है, और जो बाहर बाहर है ऊपर नीचे वो दूर दूर फैला है, इसमें बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, तो यही होते हैं। तो जो है लेंस जो होते हैं कांच के बने होते हैं, पारदर्शी माध्यम या पदार्थ होते हैं जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, या एक पृष्ठ समतल हो सकता है, दूसरा गोलीय हो सकता है, ठीक, लेंस कहलाता है। तो कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम या पदार्थ जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा गोलीय या दोनों पृष्ठ गोलीय होता हो, लेंस कहलाता है, ठीक। ऐसे लेंस मुख्यतः दो ही होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल में क्या होता है, ये लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे बनता है, हम यहाँ पर एक बार बना दे रहे हैं, ये ऐसे होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं, इसलिए ये क्या हो गए, उत्तल लेंस। और एक अच्छी बात यह है कि इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण अलग था, दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते थे क्योंकि वो प्रकाश इकट्ठा करता था, लेकिन यहाँ लेंस उल्टा कार्य करेगा, जो वहाँ अवतल दर्पण कार्य कर रहा था वो यहाँ उत्तल लेंस कार्य करेगा, जो वहाँ उत्तल दर्पण कार्य कर रहा था वो यहाँ अवतल लेंस कार्य करेगा, बस यही चीज हुआ है, ठीक। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होते हैं, ये बीच में पतले किनारों पर मोटे होते हैं, ऐसे, देख सकते हैं बीच में पतले हैं और किनारों पर क्या है, मोटे हैं, ठीक। इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को
इस लेंस रखेंगे तो ये फैला देता है बस, और ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, ठीक। इसीलिए ये अभिसारी और ये अपसारी। अब इसके प्रकार देखेंगे, इसके मुख्यतः तीन प्रकार हैं, ठीक। सबसे पहला होता है द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस, दूसरा है समतलोत्तल लेंस, और तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। इसमें होता क्या है, उभयोत्तल मतलब पहला पृष्ठ भी समतल उत्तल होता है, दूसरा भी उत्तल हो, ठीक। उत्तल लेंस का प्रायः हमेशा उभयोत्तल या द्वि उत्तल लेंस से ही होता है, ये याद रखिए। अवतल लेंस का मतलब प्रायः उभयावतल या द्वि अवतल लेंस से ही होता है। अगर अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, उत्तल का बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। इसमें देख सकते हैं कि दोनों पृष्ठ बराबर बराबर के हैं, बीच में मोटे किनारों पर पतले, ये भी उत्तल है ये भी उत्तल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाया गया ये उभरा हुआ था, ये यहाँ का पीछे वाला पृष्ठ है, ठीक। इसके दोनों पृष्ठ समान समान हैं, तो इसलिए इनकी वक्रता त्रिज्याएं समान हो सकती हैं। लेकिन इसमें देख सकते हैं ये अंदर ज़्यादा दबा है और ये कम दबा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 होगी और इसकी क्या होगी, R2 होगी। तो कुछ ऐसे भी लेंस हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है और कुछ में नहीं भी होती है, खासकर ये उभयोत्तल में होता है, ठीक है। उभयोत्तल मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल हो, दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, पहला और दूसरा दोनों पृष्ठ उत्तल हो, पहला भी उत्तल दूसरा भी उत्तल। समतलोत्तल मतलब समतल प्लस उत्तल, यानी कि एक समतल पृष्ठ दूसरा उत्तल है, तो उत्तल क्या होता है, ये ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से लाएंगे तो इधर वाला हम ले सकते हैं पृष्ठ यूज में, जब इधर वाला पृष्ठ यूज में लिया गया तो ये उत्तल हुआ और ये समतल, जब इधर वाला पृष्ठ हमने यूज किया तो ये उत्तल हुआ और ये समतल, और समतल पृष्ठ ये उत्तल पृष्ठ क्योंकि गोली है, तो गोली है तो फिर जाहिर सी बात उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। तो इस पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो गई, हमने मान लिया आर, और ये समतल है तो समतल तो गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या होती है, समतल की होती नहीं, तो इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट। समतल पृष्ठ की त्रिज्या इन्फाइनाइट, गोलीय पृष्ठ की कुछ ना कुछ होगी। अवतल उत्तल का मतलब क्या हुआ, एक पृष्ठ अवतल है दूसरा उत्तल है, तो एक अवतल है दूसरा उत्तल है। एक अवतल का पृष्ठ हमने लाया यहाँ से, देख सकते हैं ये यहाँ से लाया और पीछे हमने क्या खींच दिया, यहाँ पर से ये वाला किनारे वाला उठा करके हमने यहाँ रखा और पीछे से हमने खींच दिया उत्तल। ये वाला पृष्ठ यहाँ पर लाया, पीछे से खींच दिया उत्तल, ठीक। तो ये होते अवतल और उत्तल मिलकर के अवतलोत्तल हो जाते, अवतल प्लस उत्तल अवतलोत्तल, ठीक है, ठीक। एक होता है पृष्ठ उत्तल दूसरा अवतल, या पहला पृष्ठ अवतल होगा दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, यही चीज होता है, ठीक। कोई एक अवतल होगा दूसरा उत्तल, तब ये अवतलोत्तल होगा, दोनों एक जैसे, चाहे आप जो भी बनाइए, याद रखिए बस इतना बस। इसके भी प्रकार तीन होते हैं, जब पहला पृष्ठ भी अवतल हो दूसरा भी अवतल हो तो ये होगा उभय, क्योंकि दोनों हैं, और प्लस अवतल उभयावतल हो जाएगा, या फिर इसी को बोला जाता है द्विअवतल। अब देखेंगे इसमें दोनों पृष्ठ समान है तो इनकी वक्रता त्रिज्या समान, क्योंकि गोलीय पृष्ठ ये अंदर ज़्यादा दबा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या दूसरी होगी, ये कम दबा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या दूसरी होगी, अलग अलग। अब यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पृष्ठ जब हमने यूज लिया इधर आगे वाला, तो ये हो गया अवतल, और पीछे हमने एक सीधी रेखा खींच दी, ये उठा करके आधा वाला लाया यहाँ पर, और बीच में सीधी रेखा यानी ये समतल हो गए। तो एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा समतल है, या फिर दूसरा पृष्ठ हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे और फिर एक समतल रेखा खींचेंगे, तो एक पहला पृष्ठ समतल दूसरा क्या है, अवतल। तो एक पृष्ठ समतल है दूसरा है अवतल, तो इसलिए कहा जाता है इसको समतल अवतल, समतल प्लस अवतल समतल अवतल, समतल प्लस उत्तल समतलोत्तल, ओ की मात्रा जोड़ती है, और यहाँ समतलावतल बड़ा की मात्रा। इसमें देखेंगे उत्तलावतल में क्या होगा, होगा एक पृष्ठ उत्तल दूसरा अवतल, ये वाला उठाया हमने पृष्ठ, ये ऐसे ही तो था, ये वाला ये ऐसे बनाया पीछे, और ये उत्तल पृष्ठ हुआ, ठीक। इसकी वक्रता त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी R1, इसकी क्या होगी R2, ये क्या हो गया
समतल वाला है, ये अवतल वाला है, यहाँ से अलग से समझाए दे रहे हैं। तो अवतल वाला एक पृष्ठ ऐसे लिया गया, ये अवतल का पृष्ठ, पीछे हमने क्या खींच दिया, उत्तल। तो अवतल उत्तल अवतल उत्तल अवतल हो सकता है, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो उत्तल अवतल है, छोट आगे आएगा उत्तल और फिर अवतल करेंगे तभी ये बन पाएगा ना। यहाँ पर देख सकते हैं जब दूसरा पृष्ठ हम यूज में लेंगे, ये दूसरा पृष्ठ है अवतल का, ठीक, और पीछे से हमने उत्तल खींच दिया, तो एक पहला उत्तल है दूसरा अवतल, तो उत्तल प्लस अवतल उत्तल अवतल हो गया, ठीक। ये होते हैं लेंस के प्रकार, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उत्तल और अवतल। खासकर अगर कहीं पर भी उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो हम चित्र ऐसे बनाएंगे, और कभी अवतल लेंस की बात करेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, इनका यूज बहुत कम आएगा। हाँ, ये समतल वालों का आ सकता है, समतल की याद रखना हमेशा वक्रता त्रिज्या अनंत, क्योंकि गोले की त्रिज्या होती है, समतल की तो होती नहीं, समतल तो सीधा होता है, ये कभी मिलेगा नहीं तो अनंत कभी आएगा नहीं। ये आर हो गया, समतल पृष्ठ की इन्फाइनेट और गोलीय पृष्ठ की आर। आगे